नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइनेज इज़ इन अ रिटेल स्टोर स्टोर के अंदर साइनेज क्या इम्पोर्टेंस है क्यों लगाया जाता है ये एक एज अ कस्टमर एज एन एम्प्लोई दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअली इट्सपोर्ट एवरी वन इट सपोर्ट्स इन फाइंडिंग आउट द प्रोडक्ट प्रोडक्ट की प्राइसिंग प्रोडक्ट के फीचर्स प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स प्रोडक्ट की लोकेशन इसके अलावा वो तमाम चीज़ें तो साइनेज ज एक्चुअली अबाउट द कम्युनिकेशन बेशक दैट कम्युनिकेशन इज इनसाइड द स्टोर बेशक दैट कम्युनिकेशन इज आउटसाइड द स्टोर स्टोर की पार्किंग एरिया के अंदर स्टोर की एंट्रेंस के ऊपर सो so, जो भी कम्युनिकेशन है दैट इज थ्रू समज वो साइनेज परमानेंट भी हो सकते हैं वो साइनेज नॉन परमानेंट साइनेज भी हो सकते हैं इसको हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे लेकिन ओरिजिनली अगर हम इवेल्यूएट करते हैं तो साइनेज की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इट इज़ एक्चुअली अ कम्युनिकेशन विद अ कस्टमर सो व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद द कस्टमर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कम्युनिकेशन हैज़ टू बी क्लियर दैट कम्युनिकेशन हैज़ टू बी कोहेरेंट दैट कम्युनिकेशन हैज़ टू बी कंसाइज प्रिसाइज ताकि कस्टमर को वो मैसेज जो आप देना चाह रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से स्पेल आउट हो जाए और आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके हमारे पास अगर हम डिस्कशन करते हैं तो फाइव प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स ऑफ फाइव सेकेंड है जो कि एक्चुअली आपका क्रक्स है ऑफ द साइनिज थिंग तो कस्टमर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट फॉलोइंग थिंग्स मस्ट बी परसीव विद इन फाइव सेकेंड सो जब भी एक कस्टमर किसी स्टोर के अंदर जाता है तो उसको विद इन फाइव सेकेंड्स कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वो जो कि फॉरन उसको पता लग जानी चाहिए वो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि साइनेज उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट कर दे सबसे पहली चीज़ प्रोडक्ट की प्राइस तो प्राइस बेशक वो ग्रॉस प्राइस है प्राइस बेशक वो नेट प्राइस है दोनों प्राइसेस जो हैं दे हैव टू बी वेरी क्लियर देन प्रोडक्ट इट्स सेल्फ सैम्पल मौजूद हो प्रोडक्ट का स्टॉक मौजूद हो प्रॉपर तरीके से देन प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्राइसिंग प्रोडक्ट इट्स सेल्फ और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन एनी डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट जो के हेल्प करे कस्टमर को प्रोडक्ट को समझने के लिए फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट इज़ अबाउट द प्रमोशन इंफॉर्मेशन अगर कोई प्रमोशन आपने किसी आर्टिकल के ऊपर लगाई है उस एस के यू के ऊपर कोई प्रमोशन है तो इट हैज़ टू बी वेरी क्लियरली मैंशनड इन स्पेसिफाइड तो कस्टमर को एक साइनेज ये चार बातें ये चार चीज़ें विद इन फाइव सेकेंड्स कम्युनिकेट कर रहा हो अगर आपका साइनेज ये विद इन फाइव सेकेंड कस्टमर को ये मैसेज देने में कामयाब हो जाता है इसका मतलब ये है कि आपकी इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच देयर एंड ऑफ कोर्स इट विल इन्श्योर बेस्ट रिजल्ट ऑफ दैट साइनेज तो आपको एज ए रिटेलर प्राइस प्रोडक्ट प्रोडक्ट का डिस्प्ले का इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट uh, की डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की प्रमोशन uh, की इंफॉर्मेशन इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर इन टू दी रिटेल स्टोर क्या क्या इम्पॉर्टेंस है ऑफ करेक्ट साइनेज सो देर आर सर इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंस फॉर द कस्टमर एंड देर आर पॉइंट विच पर्टेन्स टू द इम्पॉर्टेंस फॉर इम्प्लॉयज तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ एक करेक्ट uh, साइनेज की जब मैं बात कर रहा हूँ करेक्ट साइनेज की इसका मतलब यह है कि देर शुड नाट बी एनी मिस्टेक ऑन डेट साइनेज तो इस करेक्ट साइनेज की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कस्टमर के लिए एक रिटेलर के कस्टमर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है सबसे पहली इंपॉर्टेंस उसके लिए ये है कि इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर टू हेल्प देम विद बाइंग डिसीजन कस्टमर को वो तमाम इंफॉर्मेशन मिल रही मिलेगी उस साइनेज से जिससे उसको हेल्प होगी जिससे उसको असिस्टेंस मिलेगी इन मेकिंग द डिसीजन अबाउट द प्रोडक्ट बाइंग अगर वो प्रोडक्ट की बाइंग के ऊपर डिसीजन करना चाहता है तो ऑफ कोर्स साइनेज विल हेल्प सेकेंड इज अबाउट मिनिमाइज डिलेज एट चेकआउट ड्यू टू प्राइस डेविएशन का ऐसा होता है कि कस्टमर क्योंकि प्रोडक्ट की जगह के ऊपर जहाँ प्रोडक्ट डिस्प्ले होते हैं वहाँ प्राइस का डिफरेंस है प्राइस का डेविएशन है जब कस्टमर बिल करवाने के लिए आता है काउंटर के ऊपर तो दोनों जगह पर डेविएशन होता है ये डेविएशन कब होगा जब या तो रॉन्ग साइनेज होगा या फिर साइनेज मौजूद नहीं होगा और कस्टमर को कन्फ्यूजन होगी तो अल्टीमेटली कस्टमर के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मिनिमाइज हो जाते हैं डिलेज जो कि इस इस डेविएशन की वजह से कस्टमर को फेस करने पड़ते हैं फिर कस्टमर इरेटेड नहीं होता कस्टमर को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती कस्टमर हैज द क्लियर कम्युनिकेशन और अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट जो है वो अच्छे तरीके से सेल हो पाता है और फिर तमाम साइनेज जो है उनका एक बेनिफिट टू द कस्टमर ये भी है कि दे गाइड कस्टमर थ्रू द रिटेल स्टोर कस्टमर के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस है वाइन दे मूव इन टू द स्टोर थ्रू द कस्टमर साइनेज अगर कस्टमर ये जानना चाहता है कौन सा डिपार्टमेंट की है तो साइनेज विल गाइड कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी की है साइनेज विल गाइड कौन सी प्रोडक्ट की क्या प्राइस है साइनेज विल गाइड सो कौन सी प्रोडक्ट की कौन क्या डिस्क्रिप्शन है साइनेज विल है गाइड तो अल्टीमेटली कस्टमर के सैटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए साइनेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसी तरीके से साइनेज के कुछ बेनिफिट्स फॉर दी इंप्लॉयज भी हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिस्पेक्ट्स लीगल रेगुलेशन इम्प्लॉय के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो लीगल परस्पेक्टिव हैं वो सारे क्लियर हैं बिकॉज अगर कस्टमर को एक चीज़ प्रॉपरली कम्युनिकेटेड है तो देर इज़ नो लीगल हिच इज इन्वॉल्व टू इट दैन सेफ्टी और सिक्योरिटी फॉर एवरी वन इंश्योर की जाती है फॉर एग्जाम्पल uh, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एमरजेंसी एग्जिट uh, के हवाले से साइनेजेस लगे होते हैं या तो वो साइनेज जो है एक्चुअली हेल्प करते हैं सेफ्टी को सिक्योरिटी को फॉर एवरी वन फॉर इंप्लॉयज़ फॉर कस्टमर्स फॉर स्टाफ फॉर स्टोर फॉर एवरी वन इज इन टू द स्टोर तो ये इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट uh, है साइनेज इस में भी देन इट अंडरलाइन स्टोर प्रिंसिपल्स सेल्फ सर्विस मैंटेलिटी फॉर एग्जाम्पल या डिलीवरी कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल तो स्टोर का जो भी मेन प्रिंसिपल हो वो अंडरलाइन uh, करता है बिकॉज आपने हर चीज़ प्रॉपरली कम्युनिकेट करनी है कस्टमर को एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करनी है थ्रू साइनेज तो आपके इम्प्लॉज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को हर जगह होना ज़रूरी नहीं है साइनेज हैज़ टू बी क्लियरली स्पेसिफाइंग एवरी थिंग विच इज रिक्वायर्ड फिर इफ़ यू हैव प्रॉपर साइनेज कल्चर इन टू योर स्टोर देन इट गिव्स कॉर्पोरेट आइडेंटिटी टू द रिटेलर और अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं इम्प्लॉयी को के परस्पेक्टिव में तो ईजी होता है करेक्ट इन्फॉर्मेशन को शेयर करना स्टॉक को मैंटेन रखना ऑर्डर करना शेल्फ मैनेजमेंट करना ये भी इम्प्लॉ को आसानी होती है अगर प्रॉपरली साइनेज हैं वो मौजूद हों तो अल्टीमेटली एम्प्लॉई का फॉलो अप वर्क रिड्यूस हो जाता है फॉर द डिपार्टमेंट और जब ये दोनों ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं तो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इट इज़ अ विन फॉर द कस्टमर एंड एज वेल एज इट इज़ अ विन फॉर द एम्प्लॉई एंड अल्टीमेटली फॉर द रिटेलर तो रिटेलर का ऑब्जेक्टिव ये है के करेक्ट uh, साइनेज को डिप्लॉय करे थ्रू देयर स्टाफ ताकि बेनिफिशरी कस्टमर भी हो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को भी अचीव कर सके और इम्प्लॉय के लिए भी वर्क लोड जो प्रोडक्टिव वर्क लोड है उसको इंक्रीज़ कर सके